दुनिया की लगभग हर संस्कृति में प्राचीन काल की शानदार सभ्यताओं और उनके नाटकीय अंत की कहानियां सुनाई देती हैं। ये कहानियां बाढ़ों, ज्वालामुखी विस्फोटों या खगोलीय घटनाओं जैसी भयानक घटनाओं का वर्णन करती हैं, जिन्होंने एक बार संपन्न समाजों को मिटा दिया था। आधुनिक वैज्ञानिक सोच वाले लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर वाकई में इतनी उन्नत सभ्यताएं अतीत में मौजूद थीं, तो उनके आविष्कारों और मशीनों के साक्ष्य कहाँ हैं? क्या इन महान लोगों के शहरों के अवशेष नहीं मिलने चाहिए? जिसका जवाब है कि ऐसे प्रमाण मौजूद हैं। पुरातत्वविदों ने दुनिया भर में सैकड़ों खंडहर शहरों का पता लगाया है जो जमीन के नीचे दबे हुए हैं या फिर समुद्र की तलहटी में छिपे हुए हैं। ये खोजें इस बात का सबूत है कि भव्य मंदिर, जटिल जल प्रबंधन प्रणालियां और यहां तक कि विशाल शहर प्राचीन काल में मौजूद थे। पश्चिम में यह धारणा काफी हद तक स्वीकृत है कि मनुष्य अतीत में आदिम था और वर्तमान में हमारे ग्रह की सर्वोच्च सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक रैखिक प्रगति का नजरिया है जहां विकास एक सीधी रेखा में होता है। दूसरी ओर कई अन्य संस्कृतियों का मानना है कि इतिहास चक्रीय है। उनका मानना है कि सभ्यताएं चढ़ाव और उतार से गुजरती हैं। स्वर्ण युगों का उदय होता है और फिर से वे पतन में चली जाती हैं। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा वर्तमान समाज किसी खोए हुए स्वर्ण युग से पतन का प्रतिनिधित्व भी कर सकता है। और इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं अतीत में बने विशाल पाषाण शहर, जो हजारों सालों तक टिके रहने के लिए बनाए गए थे। ये हमारी आधुनिक निर्माण तकनीकों को भी चुनौती देते हैं। क्या ये वाकई इस बात का संकेत हो सकते हैं कि हम वास्तव में किसी और उन्नत सभ्यता के पतन के बाद बचे हुए लोग हैं? इन लोगों की निर्माण तकनीक को देखते हुए हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये शायद उतने भी पिछड़े नहीं थे जितना हम सोचते हैं। पूरी दुनिया में एक प्रकार का विशाल पत्थरों का निर्माण पाया जाता है, जिसे पुरातन सभ्यताओं में विश्वास रखने वाले शोधकर्ता अटलांटियन कहते हैं। ये विशालकाय संरचनाएं, जिनमें अक्सर क्रिस्टल ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात का प्रमाण है कि इन लोगों के पास उन्नत इंजीनियरिंग कौशल मौजूद थी। गौर करने वाली बात यह है कि इन विशाल पत्थरों को बिना किसी मसाले के जोड़ा गया है और फिर भी ये एक दूसरे से इस कुशलता से जुड़े हुए हैं जैसे किसी ब्लॉक की तरह फिट हों। ये अनोखी तकनीक भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी इन संरचनाओं को बचा लेती है। जुड़े हुए बहुभुजाकार दीवारें भूकंप के झटकों को अवशोषित कर लेती हैं, थोड़ा हिलती हैं और फिर से अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती हैं। इस तरह की जटिल और प्रभावी निर्माण तकनीक इस बात का संकेत देती है कि इन सभ्यताओं के पास शायद हमारी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत तकनीक और ज्ञान रहा होगा। वैसे ही अटलांटियन शैली का निर्माण दुनिया भर में पाया जा सकता है। इस तरह के निर्माण के उत्कृष्ट उदाहरणों में पेलोपोनीज में माइसीने और माल्टा के मंदिर शामिल हैं, जिनकी विशेषता जटिल गुंबद और विशाल स्तंभ है। दक्षिण अमेरिका में तिवाहुनाको, ओलंतायन तांबो और मोंटे अल्बान के विशाल परिसरों में भी समान तकनीकें देखी जा सकती हैं, जहां चट्टानों को इतनी सटीकता से काटा जाता था कि उन्हें बिना किसी मोटर के
एक साथ लगाया जा सके। स्टोनहेंज के एक रहस्यमय स्मारक में भी समान कटिंग तकनीक के संकेत मिलते हैं। मिस्र में ओसीरियन और अटलांटियन वास्तुकला की घाटी, मंदिर सहित अन्य स्थलों पर दीवारें अक्सर गोलाकार होती हैं, जो पारंपरिक मिस्र की वास्तुकला से एक अलग शैली की तरह प्रतीत होती हैं। इन स्थलों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कीस्टोन कट तकनीक का उपयोग। इसमें चट्टानों के मिलने वाले स्थान पर एक दूसरे के पूरक आकार काटे जाते थे और फिर उन्हें एक साथ जोड़ने के लिए धातु की क्लैंप का उपयोग किया जाता था। ये क्लैंप आमतौर पर एक घंटे के गिलास या दोहरे टी आकार के होते थे और तांबे, कांस्य, चांदी या इलेक्ट्रम से बने हुए होते थे। दिलचस्प बात यह है कि इन स्थलों पर लगभग हर जगह जहां कीस्टोन कट पाए जाते हैं, वहां धातु की क्लैंप गायब है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या तो उन्हें हटाया गया था या वे समय के साथ खराब हो गए थे। दुनिया के कई प्रसिद्ध और कुछ कम प्रसिद्ध खंडहरों में उनके अंदर और भी प्राचीन शहरों के अवशेष पाए जाते हैं। ये मानो इतिहास के विभिन्न परतें हैं जो जमीन के नीचे दबी हुई हैं। लेबनान में बालबेक, पेरू में कुस्को, एथेंस का एक्रोपोलिस, मोरक्को में लिक्सस, स्पेन में कैडीज और यहां तक कि यरूशलम का टेंपल माउंट पहले के बने हुए विशाल खंडहरों पर बने हुए हैं। कुछ आधुनिक शहरों में तो मानो समय जैसे रुक गया हो। उदाहरण के लिए पेरू का कुस्को शहर 3 या उससे अधिक स्तरों वाले भवनों का एक अनूठा उदाहरण है, जिसके सबसे ऊपरी स्तर पर आधुनिक इमारतें हैं, जबकि नीचे के स्तरों में इनका साम्राज्य के समय के भवनों के अवशेष मौजूद हैं। इस तरह से एक ही स्थान पर विभिन्न युगों की जीवन शैली और स्थापत्य कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि ये प्राचीन इमारतें पौराणिक सभ्यता अटलांटिस से जुड़ी हैं। माना जाता है कि अटलांटिस एक अत्यंत विकसित और समृद्ध साम्राज्य था, जो किसी प्राकृतिक आपदा या फिर भूकंप या सुनामी के कारण समुद्र में समा गया। लेकिन अटलांटिस का वास्तविक स्थान एक रहस्य बना हुआ है। ब्रिटिश विद्वान जॉन मिशेल ने अपनी पुस्तक द व्यू ओवर अटलांटिस में एक विवादास्पद दावा किया था कि अटलांटिस वास्तव में गायब नहीं हुआ, बल्कि उसके अवशेष दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। मिशेल ने अपनी बाद की पुस्तक मेगालिथोमेनिया में इस विचार का समर्थन भी किया, यह दर्शाते हुए कि दुनिया भर में पाए जाने वाले महापाषाण स्थल इस खोई हुई सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। उनके विचारों को अन्य लेखकों ने भी आगे बढ़ाया है। पीटर लैंकेस्टर ब्राउन जैसे विद्वानों ने मेगालिथ्स एंड मास्टरमाइंड जैसी पुस्तकों में तर्क दिया है कि महापाषाणों का वैश्विक वितरण इस बात का संकेत हो सकता है कि एक उन्नत जल प्रलय पूर्व सभ्यता अस्तित्व में थी, जिसके अवशेष अब बिखरे हुए हैं। हालांकि यह सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकृत नहीं है और अटलांटिस के वास्तविक स्थान का प्रश्न अभी भी अनसुलझा है। दूसरी विचारधाराओं के अनुसार पुरातन काल में मानव सभ्यता जितनी सरल मानी जाती है, उससे कहीं अधिक जटिल रही होगी। पाषाण युग के अवशेष वास्तविकता का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करते। ये अवशेष उस समय के सीमित ज्ञान और तकनीक को दर्शाते हैं, ना कि उस युग की वास्तविक क्षमताओं को। इसी विश्वास के आधार पर उन्होंने अटलांटिस नामक एक खोई हुई सभ्यता के अस्तित्व की परिकल्पना की, जो न केवल वैश्विक स्तर पर विस्तृत थी, बल्कि असाधारण रूप से उन्नत तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान से संपन्न थी।
वे यह भी मानते थे कि इस सभ्यता के भव्य स्मारक और अविश्वसनीय निर्माण आज भी पृथ्वी के विभिन्न कोनों में बिखरे हुए हैं, लेकिन समय और प्रकृति की विनाशकारी लीला के कारण छिपे हुए हैं। उनकी खोज का लक्ष्य इन खोए हुए ज्ञान और तकनीकों को पुनः प्राप्त करना था, जिससे मानव सभ्यता को एक नई दिशा मिल सके। यही धारणा कि मनुष्य ने हाल ही में बिजली जनरेटर, भाप और दहन इंजन या यहाँ तक कि उड़ने वाले यंत्रों का आविष्कार किया है, इतिहास के चक्रव्यूह में फंसी दुनिया के लिए सत्य नहीं हो सकता। सदियों पुराने ग्रंथों में पाए जाने वाले संदर्भ या पुरातात्विक स्थलों पर मिली विसंगत वस्तुएं इस बात की ओर इशारा करती है कि शायद प्राचीन काल में भी उन्नत तकनीकें मौजूद रही होंगी। आज के समाज में सूचना और प्रसार का इतना तीव्र प्रवाह है कि नई खोजें पल भर में अपना दी जाती हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों साल पहले भी किसी अत्यधिक वैज्ञानिक सभ्यता का विकास कितनी तेजी से हुआ होगा। ठीक उसी तरह आज भी न्यू गिनी और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में आदिवासी जनजातियां रहती हैं, जो पाषाण युग जैसा जीवन व्यतीत करती हैं, और इस प्रकार यह संभव है कि अतीत में अटलांटिस जैसी कोई सभ्यता अस्तित्व में रही हो, जबकि दुनिया के बाकी हिस्से विकास के विभिन्न चरणों से गुजर रहे थे। इतिहास रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय होता है, और हो सकता है कि हमारी सभ्यता से भी कहीं अधिक उन्नत सभ्यताएं अतीत में अस्तित्व में रही हो और फिर विलुप्त हो गई हो, जिससे उनके अस्तित्व के केवल संकेत ही शेष बचे हों। अटलांटिस के लोक कथाओं के अनुसार यह सभ्यता दुनिया भर में लड़े गए विनाशकारी युद्धों के कारण ढह गई थी। इतिहास खुद को दोहराता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि आज का विश्व भी राजनीतिक, धार्मिक और जातीय विभाजनों के कारण सर्वनाश के कगार पर खड़ा है। शायद अटलांटिस के पतन का कारण प्रकृति की कोई विनाशकारी घटना नहीं बल्कि मानवीय स्वार्थ और संघर्ष ही था। इस ज्ञान के आलोक में हम अपनी ही दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए नए सिरे से प्रयास कर सकते हैं।